हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं एक शानदार गेम जो कि खेली गई थी इमैनुअल लास्कर वर्सेस सम अननोन चेस प्लेयर। और इमैनुअल लास्कर जो है वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयरों में माने जाते हैं आज के दिनों में भी। मतलब अगर कोई बात करे कि हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयर या हु आर द स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ चेस, तो इमैनुअल लास्कर का नाम ज़रूर आएगा। इमैनुअल लास्कर जो थे वो सिर्फ चेस प्लेयर ही नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसोफर भी थे। और वो तकरीबन 27 ईयर्स तक वर्ल्ड चैम्पियन रहे थे, फ्रॉम 1894 टू 1921। सो ऑफकोर्स उनकी गेम में से हमको काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा। और स्पेशली अगर आज की आप गेम देखेंगे तो आपके जो रियल रुई लोपेज़ के रिलेटेड या स्पेनिश गेम के रिलेटेड जो बेसिक आइडिया वो भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गेम खेली गई थी न्यूयॉर्क में 1893 में। लास्कर ने गेम की शुरुआत की पॉन टू e4, पॉन टू e5 और अब नाइट टू f3 अटैकिंग e5, नाइट टू c6 डिफेंडिंग इट और अब बिशप टू b5 और ये जाना जाता है रुई लोपेज। और यहाँ पे हम जानते हैं कि बिशप कैप्चर c6 एंड नाइट कैप्चर e5 वो जो है वाइट का बेसिक आइडिया है, बट वो फिलहाल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ब्लैक खेलता है पॉन a6 एंड बिशप कैप्चर c6, पॉन कैप्चर c6, नाइट कैप्चर e4 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्वीन d4। और मैं आपको तकरीबन हर एक वीडियो में बताता हूँ, उसका एक रीज़न है कि मैंने काफ़ी गेम्स देखी है बिगिनर्स की जो है इस ट्रिक में फॉल करते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली वाइट को जो है नाइट को सेव करना पड़ेगा और उसके बाद क्वीन कैप्चर e4 और प्लस ब्लैक जो होगा उसके पास 2 बिशप का एडवांटेज भी होगा। बट यहाँ पर थ्रेट ये है कि वाइट जो है पहले कैसल करेगा अपना पोन ऑन e4 को सेव करेगा, देन ही विल ट्राई टू कैप्चर नाइट ऑन c6 और उसके बाद नाइट कैप्चर ऑन e5। सो यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप टू c5। और यूजुअली आपने देखा होगा कि आपके कोचिस जो है या फिर आप जो भी चेस की वीडियो देखते हो उसमें बताया जाता है कि आपको जो है नाइट्स डेवलप करनी है बिफोर द बिशप, नाइट्स बिफोर द बिशप। सो यहाँ पे ब्लैक जो है उसने ये प्रिंसिपल वायलेट किया है। ऑफकोर्स मे बी ये प्लेबल मूव है, बट यहाँ से वाइट ने जो है इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया। वाइट ने खेला पॉन टू d6 और ये टोटली देख रहा है कि जो बिशप ऑन c5 है इज़ मिसप्लेस, क्योंकि जो है पॉन ऑन d4 कम्स विथ टेम्पो। यहाँ पे जो वाइट है उसको टेम्पो मिलेगा जो बिशप पे अटैक करेगा। और ऑफकोर्स अब जो है ब्लैक जो है वो भी बिशप b4 बाद में चेक दे सकता है और गेन द टेम्पो, लेकिन उसमें वाइट का आइडिया क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर खेला गया पॉन टू d6 और यहाँ पर वीडियो पोज करो और सोचो आप इस मूव को किस तरह से लेते हो। आई मीन ये गुड मूव है, बैड मूव है या फिर इट्स अ ओके मूव। रेडी, ये मूव जो है इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपने जो ब्लैक की ये नाइट है c6 उसको पिन किया और वाइट जो है अब d4 विथ टेम्पो आएगा। सो यहाँ पर बिशप पे अटैक है, ई कैप्चर d4, सी कैप्चर d4, अगेन बिशप पे अटैक है। सो यहाँ पर ब्लैक ने सोचा कि वो जो है बिशप टू b4 खेलेगा और जब भी कोई पीस बीच में आएगा उसको सिंपली कैप्चर करेगा एंड देन मे बी पॉन टू d5 और उसकी जो नाइट है वो अनपिन रहेगी या फिर इवन पॉन टू a6। बट हियर इट इज़ अ मिस्टेक और ये हम आप देखते हैं वाइट का आइडिया क्या है। किंग f1, यूजुअली आपका अगर कैसल का राइट निकल जाता है I mean, आपका कैसल का राइट चला जाता है देन आपके रुक कनेक्ट होने में दिक्कत आती है और ये जो है एक डिसएडवांटेज माना जाता है। बट यहाँ पर जो थिंग्स आर डिफरेंट, यहाँ पे जो ब्लैक का बिशप है डेट इज़ अ बिट मिसप्लेस और हम आगे चल के देखेंगे क्यों इतना मिसप्लेस है। एक्चुअली यहाँ पे अब जो है वो ब्लैक को जो है अपना लॉस मिनिमाइज करना चाहिए विथ पॉन टू a6 या फिर पॉन टू d5, बट उस सारे केस में देखेंगे कि हम जो वाइट है उसकी पोजीशन काफ़ी सुपीरियर रहती है। यहाँ पे एक्चुअली गेम में खेला गया था बिशप d7, बट अब सारे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉन टू a6, देन सिंपली बिशप कैप्चर c6, बी कैप्चर c6 और अब देखिए जो ये बिशप है वो अनप्रोटेक्टेड है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो वाइट है उसको कुछ मटेरियल मिलेगा क्वीन टू a4 और मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें वो थ्रेट कर रहा हूँ, क्वीन कैप्चर c6 और क्वीन कैप्चर b4 और अनफॉर्चुनेटली ये बिशप जो है वो ट्रैप सा हो गया या कहीं पर जा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल पॉन टू a5 देन सिंपली पॉन टू a3 और यहाँ पर अगर आप ट्राई करते हो कि बिशप टू b5 चेक, सिंपली किंग मूव टू g1 एंड नाउ बिशप टू b5 देन मैं क्वीन टू c2 खेल लूँगा और यहाँ पर स्टिल आपका जो बिशप ऑन b4 है वो तो पी नहीं है। सो बेसिकली वाइट इज़ विनिंग। एक और चांस हो सकता है वो है पॉन टू d5, जहाँ पे जो ब्लैक है वो ये उम्मीद रखता है कि पॉन कैप्चर d5, क्वीन कैप्चर d5 एंड ब्लैक जो है इज़ ओके। बट यहाँ पे बेसिकली d5 के बाद जो वाइट है वो खेल सकता है क्वीन टू b3 अटैकिंग द बिशप।
सो अगर आप बिशप मूव करते हो देन सिंपली पोन कैप्चर ऑन d5 और ये जो नाइट है वो पिन है सो उसकी वजह से जो वाइट है उसको कुछ मटेरियल मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप पोन कैप्चर ऑन e4 खेल सकते हो देन नाइट टू e4 विथ एन आइडिया कि यहाँ पे नाइट कैप्चर c6 फॉलोड बाय बिशप कैप्चर c6 या फिर डायरेक्टली सिंपली क्वीन कैप्चर b4 क्योंकि नाइट जो है वो पिन है। सो यहाँ पे वाइट जो है वो कम्प्लीटली विनिंग है। उसी वजह से किंग f1 के बाद जो है बिशप टू d7 खेला गया और अब आया क्वीन टू a4 अटैकिंग द बिशप और यहाँ पे थ्रेट है बिशप कैप्चर c6 उसके बाद क्वीन कैप्चर बिशप और अनफॉर्चुनेटली ये जो बिशप है वो कहीं पे जा नहीं सकता। क्वीन टू e7 और अब पोन टू d5 सॉरी या अटैकिंग द नाइट सो नाइट मूव होती है देन क्वीन कैप्चर b4 और यहाँ पे क्वीन कैप्चर ऑन e4 और ब्लैक ने ये सोचा कि जो जो बिशप है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। बट अब आया नाइट टू c3। ओपनिंग में आप जितने भी पीस विथ टेम्पो के साथ निकालते हो मतलब विथ अटैक के साथ निकालते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो सो नाइट c3 अटैकिंग द क्वीन और उसने एक क्वीन पे टेम्पो भी गेन किया, एक नया माइनर पीस भी निकला और अनफॉर्चुनेटली बिशप कैप्चर c3 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वीन कैप्चर e4 और यहाँ पे ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। सो क्वीन टू e7 खेला गया और अब बिशप टू g5। यहाँ पे लास्कर ने देखा कि ये बिशप और नाइट कहीं पे नहीं जाने वाले हैं सो टेम्पो क्यों ना गेन किया जाए। सो बिशप g5 अगेन देखिए एक और नया पीस गेम में निकाला और यहाँ पे जो गेम है उसमें खेला गया नाइट टू f6। बट आप शायद सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं पोन f6 खेला जाए। सो ब्लैक को भी एक टेम्पो मिल सकता है, जी हाँ जरूर मिल सकता है। बट अब बिशप कैप्चर ऑन c6 इज जस्ट विनिंग क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी खेलो मेरी नेक्स्ट मूव होगी रुक टू e1 और जो क्वीन है वो चली जाएगी। और पहले नाइट मारने का रीज़न ये है कि मैं डायरेक्टली रुक e1 खेलता देन नाइट जो है बीच में e5 पे आ जाती। सो से यहाँ पे हम आगे चलते हैं बी कैप्चर c6 देन बिशप कैप्चर c6 और अब बिशप कैप्चर ऑन c3 जस्ट टू कंट्रोल दिस e1 स्क्वायर देन सिंपली बी कैप्चर ऑन c3 और अगेन मेरी जो थ्रेट है वो रुक टू e1। और अगर आप ट्राई करते हो किंग को वहाँ से निकालने की से किंग टू d8 देन नाइट टू d4 एफ कैप्चर ऑन g5 देन अब रुक टू e1 अटैकिंग द क्वीन। सो क्वीन f7 तो बिशप का प्रोटेक्शन में रहना भी जरूरी है। सो बिशप कैप्चर ऑन d7 क्वीन कैप्चर ऑन d7 और अब नाइट टू c6 के बाद जो है वो गेम चली जाएगी। प्रैक्टिकली यहाँ पे ब्लैक को जो अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर देनी पड़ेगी अगर वो कुछ और मूव खेलता है जैसे कि किंग टू c8 देन क्वीन टू f6 इज जस्ट चेकमेट। सो यहाँ पे f6 मूव जो है वो इतनी अच्छी नहीं है इसीलिए जो बिशप g5 के बाद ब्लैक ने है वो नाइट टू f6 खेला और अब रुक टू e1 अटैकिंग द क्वीन। सो यहाँ पे देख रहे हो कि जो वाइट है उसको कप का एक पीस मिल रहा है बट वाइट जो है वो स्टिल फाइंडिंग बेटर मूव्स। सो आपके लिए आपके पास जब एक अच्छी मूव हो तब आपको जो है और भी अच्छी मूव फाइंड करने की ट्राई करनी चाहिए। सो यहीं पे ये इमैनुअल लास्कर कर रहे हैं रुक टू e1 सो नाइट टू e5 और अब क्वीन कैप्चर b1। सो यहाँ पे जो वाइट है उसको पहला पीस मिला। यहाँ पे ब्लैक ने खेला लॉन्ग कैसल और अब देखा जाए तो ये नाइट है वो दो तरीके से पिन है। ये जो क्वीन के अगेंस्ट ये d5 पोन है सॉरी d6 पोन वो भी पिन है। सो रुक कैप्चर ऑन e5 और यहाँ पे एडवांटेज ये है कि पोन कैप्चर e5 नहीं खेला जा सकता अदरवाइज सिंपली जो है ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। सो वाइट को यहाँ पे एक और पीस मिला विथ रुक कैप्चर e5 और अब बिशप कैप्चर b5 चेक नाइट कैप्चर ऑन b5 और यहाँ पे खेला गया क्वीन टू d7 एंड यहाँ पे गेम जो है वो ऑलरेडी ओवर है। बट यहाँ पे हम कुछ जो है वो बिट स्टाइलिश मूव भी देखेंगे जहाँ पे इजीली विन है वहाँ पे लास्कर ने कुछ स्टाइलिश भी किया था एंड नाइट कैप्चर a7 चेक किंग टू b8 और यहाँ पे देखा जाए तो नाइट c6 इज़ ऑलरेडी विन। सो यहाँ पे नाइट c6 आप खेलोगे देन कोई चांस ही नहीं कि ब्लैक जो अपनी चेकमेट सेव कर पाए। फॉर एग्जांपल किंग c8 देन सिंपली क्वीन टू a4 थ्रेट इज क्वीन टू a8 चेकमेट। सो से क्वीन g4 देन सिंपली क्वीन टू a8 फॉलोड बाय रुक टू e7 इज अ चेकमेट। और आप कुछ और करते हो तो फिर आपको अपनी क्वीन जो है वो दे देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप जाते हो क्वीन a8 और किंग के लिए जगह बनाते सॉरी क्वीन e8 और क्वीन के लिए जगह बना किंग के लिए जगह बनाते हो देन सिंपली रुक कैप्चर e8 इज जस्ट विनिंग। सो इसीलिए नाइट कैप्चर a7 के बाद किंग b8 और यहाँ पे जो है लास्कर ने बिट स्टाइलिश मूव की उन्होंने खेला रुक टू e7 एंड
स्टिल वाइट इज विनिंग बिकॉज यहाँ पे क्वीन कैप्चर ई सेवन देन नाइट टू सी सिक्स चेक और उसके बाद नाइट कैप्चर ई सेवन. सो बेसिकली ए पोजिशन जो है उसमें ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया था आफ्टर रुक टू ई सेवन. बट हम देखते हैं क्या होता है इनकेस रुक ई सेवन देन नाइट कैप्चर ऑन डी फाइव. क्योंकि अगर आप मेरी क्वीन मारते हो देन मैं भी आपकी क्वीन मार सकता हूँ. बट इन दैट केस मैं सिंपली खेल सकता हूँ रुक कैप्चर डी सेवन नाइट कैप्चर बी फोर और अब जो है बिशप कैप्चर ऑन डी एट उसके बाद किंग कैप्चर ए सेवन. एंड देखा जाए तो वाइट के पास एक बिशप और एक रुक एक्स्ट्रा है. सो दैट वुड बी अ इजी विनिंग. बट यहाँ पे कुछ इतना स्टाइलिश करने की जरूरत नहीं थी. आई थिंक नाइट कैप्चर ए सेवन किंग बी एट एंड नाइट सी सिक्स वॉज कम्प्लीटली विनिंग. सो कैसी लगी दोस्तों ये आपको ये गेम? मुझे आशा है कि जो गेम है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसमें आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप डी सिक्स जैसी नॉर्मल मूव करते हो ओपनिंग में जो कि काफ़ी एक नेचुरल और नॉर्मल मूव लग रही है देन यू लॉस्ट वेरी क्विकली सिंपली बिकॉज डी फोर जो है वो टेम्पो विन करता है. और उसके अलावा एक और बात बिशप बी फाइव एंड देन बिशप टू सी फाइव नाइट बिफोर द बिशप. अगर इस रूल को भी आप फॉलो नहीं करते हो देन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अदरवाइज आपकी गेम जो है कुछ इस तरह से चली जाएगी. राइट सो दैट्स इट. धन्यवाद. जय हिंद. बाय बाय.